इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। किसी जिले के जिलाधिकारी अगर ऑटो रिक्शा चलाते हुए नजर आए हैं तो आपको जरूर अचरज होगा। अचरज करने जैसी बात नहीं है, बहुत सारे जिलाधिकारी सिंपल भी रहते हैं और सारी चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। उनके सामने में जब कुछ दिखता है तो चाहते हैं कि इसको भी एक्सपीरियंस किया जाए, और जो व्यक्ति एक्सपीरियंस लेता है वही उसका सही गलत और अच्छा इलाज और अच्छे समाधान ढूंढ सकता है अगर किसी तरीके की मुसीबत आई तो। जलगांव के जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ये रिक्शा चलाते हुए नजर आए, ई रिक्शा, और मौका था मराठी प्रतिष्ठान की ओर से दो महिलाओं को ई रिक्शा देने का मामला। एक कार्यक्रम छोटा सा आयोजन किया गया था, बहुत छोटा सा समय जिलाधिकारी से मांगा गया था। जमील देशपांडे जी जो हैं उन्होंने मुझे बताया कि बहुत छोटा सा, जब हमने जिलाधिकारी साहब के पास ये चीज रखी कि इस तरीके का सर हम महिलाओं को ई रिक्शा प्रदान कर रहे हैं तो आप दीजिए, तो उन्होंने बस दो और तीन मिनट का समय दिया था, बिल्कुल छोटा सा कि ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जब वो वहां पर आए फील्ड पर तो उन्होंने वो सारी चीजें देखी, वो माहौल देखा, उन्होंने मराठी प्रतिष्ठान के काम को देखा और ई रिक्शा चलाने का मोह उनसे भी नहीं रोका गया। उन्होंने ई रिक्शा चलाई, सिर्फ चलाई नहीं, जिन महिलाओं को उस प्रशिक्षण दिया गया उन महिलाओं को बैठा कर भी चलाई। ये जिलाधिकारी की सिंपलनेस को दिखाता है कि किस तरीके से जिलाधिकारी काम करते हैं। जिलाधिकारी पहले पत्रकार रह चुके हैं, काफी सारी चीजें उनको पता है, काफी सारी चीजें वो जानते हैं, लेकिन फिर भी नए एक्सपीरियंस लेने के लिए जिलाधिकारी ने ई रिक्शा चलाई और अपने हाथों से चाबियां दी। जब उन महिलाओं को, तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था, उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब इस तरीके से जिलाधिकारी आपस में मिल जाते हैं, जब नीचे के लेवल पर काम करना शुरू करते हैं, जब लोगों के साथ मिलना शुरू करते हैं, तो बाकी लोगों का जो विश्वास है उनके प्रति, उनके काम के प्रति, वो बढ़ जाता है। और उच्च अधिकारी को तो इसी तरीके से मेल जोल कर काम करते रहना चाहिए। आनंद झाला आणि खूप हे वाटलं छान की आम्ही पण पुढे जावा महिला वगैरे असं म्हणून त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं, खूप आभारी आम्ही त्यांचे। बहुत सारे अधिकारी तो ऐसे हैं कि सफेद कुर्ता सफेद ड्रेस पहन कर जाते हैं, शाम तक के क्रीच भी खराब ना हो ऐसे काम करते हैं। खैर, मेरा किसी अधिकारी को ब्लेम करने का कोई मकसद नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने जिन दो महिलाओं को ई रिक्शा प्रदान की है वो बहुत खुश हैं, और जल्द ही और भी लोगों को इस तरीके से ई रिक्शा दी जाएगी और महिलाओं का सबलीकरण करने का काम जो मराठी प्रतिष्ठान कर रहा है वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जय हिंद।